डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपको जैसा कि मालूम है, इसके पहले वाले लेक्चर में अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कि जब हम दो चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखते हैं तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का ये फोर्स दोनों चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r². इस दोनों रिलेशन से एफ प्रोपोर्शनल q1 q2/r² मिलता है। यहाँ से यदि हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा लें तो हमें मिलेगा k q1 q2/r². यहाँ पे ये k प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का वैल्यू 1/4πε होता है किसी मीडियम के लिए और एयर के लिए 1/4πε0 होता है। इसी फोर्स का हमें वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है। इतना क्लियर है यहाँ से कूलम्स लॉ से कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है वो दोनों चार्ज पार्टिकल को मिलाने वाली रेखा के अलोंग लगता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस। जब ये दोनों चार्ज पार्टिकल सेम नेचर के होंगे तो आउटवर्डली ये फोर्स लगेगा और अगर अपोजिट नेचर का होगा तो इनवर्डली अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस लगेगा लाइक दैट। अभी हम मान लेते हैं कि ये कोई Q1 चार्ज पार्टिकल है और ये कोई Q2 चार्ज पार्टिकल है। तो ये अभी सेम नेचर का चार्ज पार्टिकल हम मान लिया तो अभी जो फोर्स लगेगा वो दोनों के बीच में, चूंकि सेम नेचर का है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा और ये फोर्स आउटवर्डली लगेगा, आउटवर्डली लाइन ज्वाइनिंग चार्जेज ये फोर्स लगेंगे। अगर यहीं पे हम दोनों नेगेटिव चार्ज ले लेते, मान लो कि यहाँ ये नेगेटिव Q1 है और ये पॉजिटिव Q2 है तो फोर्स यहाँ पर जो लगेगा वो इनवर्डली लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस बिकॉज ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगेगा। तो इतना हम फोर्स के डायरेक्शन के बारे में जानते हैं कूलम्स लॉ से। लेकिन इस फोर्स को हमें दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले इस कूलम्बिक फोर्स को वेक्टोरियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो वेक्टोरियल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ एक कार्टेशियन प्लेन एज्यूम करते हैं और इस कार्टेशियन प्लेन में कहीं ओरिजिन से R1 पोजीशन पे ये कोई A पॉइंट पे Q1 चार्ज पार्टिकल एज्यूम कर रहे हैं और इसका पोजीशन वेक्टर R1 है और यहाँ से किसी पोजीशन पे Q2 चार्ज पार्टिकल को एज्यूम कर रहे हैं B पॉइंट पे, ये पोजीशन वेक्टर R2 अभी मान लेते हैं। तो यहाँ Q1 चार्ज पार्टिकल का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्लियर है और Q2 का भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्लियर है। लेकिन हमें फोर्स दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स निकालने के लिए इस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का दूरी चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, पोजीशन चाहिए जो हमें नहीं मालूम है। तो अभी इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच के पोजीशन को एस्टिमेट करते हैं। तो ये दोनों के बीच का दूरी है तो क्या करते हैं कि अभी इसे वेक्टर फॉर्म में ही पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखते हैं। तो अगर A से B के डायरेक्शन में अगर हम पोजीशन वेक्टर लें डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2, Q1 चार्ज पार्टिकल से Q2 के डायरेक्शन में, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन हुआ। अब ये डायरेक्शन
क्या कहलाएगा, इसे हम क्या लिखें। तो चूंकि Q1 चार्ज पार्टिकल से Q2 के तरफ यह डायरेक्टेड है, एंड दैट्स व्हाई इसे हम R12 पोजीशन वेक्टर कहेंगे। और ऐसे ही अगर हमें B से A के पोजीशन में अगर लेना होता तो B से A के पोजीशन में जस्ट इसका रिवर्स हो गया, तो B से A के पोजीशन में लेते I2 से डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1 चार्ज पार्टिकल, तो इसे हम क्या लिखते, R21 पोजीशन वेक्टर। अब इस तरह से हम लोगों ने यहां देखा कि ये सभी के सभी पोजीशन क्लियर हो चुके हैं। तो यहां A से B के डायरेक्शन में, AB वेक्टर के डायरेक्शन में हमने पोजीशन वेक्टर लिया है और इसे कहा है R12 पोजीशन वेक्टर, जो कि Q1 से Q2 के तरफ डायरेक्टेड है। इस पोजीशन वेक्टर को हम कितना लिखें, क्या लिखें, R1 R2 के रूप में हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर के इस ट्रायंगल को एज्यूम कर रहे हैं अलग, हम अभी ये R1 पोजीशन है और ये R2 पोजीशन है इस तरह से। अभी ये A पॉइंट है, B पॉइंट है, हमारा डायरेक्शन है A to B, हमें A से B के डायरेक्शन में पोजीशन अभी निकालना है। इस पोजीशन को हमने R12 पोजीशन वेक्टर कहा है। यहां से वेक्टोरियल अलजेब्रा से हम देख रहे हैं कि ये वेक्टर R1 और वेक्टर R12 दोनों एक दूसरे से हेड टू टेल में अरेंज है, जबकि ये R2 वेक्टर टेल टू टेल और हेड टू हेड में अरेंज है। मींस ये रिजल्टेंट जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये रिजल्टेंट जैसा बिहेव कर रहा है, तो R2 वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R12 वेक्टर। तो इस तरह से हमें R12 वेक्टर यहां से मिल जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इसे हम यहां लिख लेते हैं, R12 वेक्टर इक्वल्स हमें मिला है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसी तरह से अगर हम AB के अपोजिट में BA के डायरेक्शन का ये पोजीशन वेक्टर R21 लिखें, तो BA के डायरेक्शन का पोजीशन वेक्टर R21 है, तो R21 अगर लिखें तो यहां से बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं, जस्ट इस डायरेक्शन को हम क्या करें, अपोजिट कर दें, बाकी यह सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो यहां से अब क्या हो गया कि ये R2 वेक्टर और ये R21 वेक्टर एक दूसरे से हेड टू टेल में अरेंज है, जबकि अब अभी R1 वेक्टर टेल टू टेल और हेड टू हेड में अरेंज है। तो यहां से अभी हम R1 रिजल्टेंट के जैसा बिहेव कर रहा है, तो यहां हम लिखेंगे R1 वेक्टर इक्वल्स R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। तो यहां से मिलेगा हमें R21 वेक्टर इक्वल्स R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो इस तरह से हमें R21 पोजीशन वेक्टर भी मिल गया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो इस तरह से हमने पोजीशन Q1 का Q2 के रिस्पेक्ट में, Q2 का Q1 के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर को क्लियर कर लिया। अब हमें देखना है फोर्स के, दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वह फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है और उस फोर्स का क्या नामकरण होगा। तो देखो अभी Q2 चार्ज पार्टिकल Q1 चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि हमने अभी सेम नेचर का चार्ज लिया है दोनों पॉजिटिव, तो नो डाउट ये लाइन ज्वाइनिंग चार्ज के आउटवर्डली लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। और इसका नाम क्या होगा, इसका क्या नाम हम दें, तो सिंपली इसके लिए आप लॉजिकली कह सकते हो कि कहीं पर मान लो ढेर सारे ऐसे बच्चे खेल रहे हैं, और ढेर सारे बच्चे खेल रहे हैं, इनमें झगड़ा होना तो लाजमी है, तो किसी दो बच्चे में
झगड़ा हो गया और किसी बच्चे ने किसी बच्चे को मार बैठा, मान लो ये एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, इस तरह से नामकरण किया हुआ बच्चा है। तो एक बच्चा इस बच्चे पर, बच्चे को मार बैठा, ये बच्चा यहाँ से रोता हुआ चल दिया बाहर के तरफ, जैसे लगता है इधर धक्का लगा दिया, ऐसे ये जा रहा है रोता हुआ। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए जिसने इस घटना को नहीं देखा है, इस लड़ाई झगड़े को नहीं देखा, तो वो सबसे पहले किस बच्चे को नोटिस करेगा? ये देखो, टू वाले ने अभी वन वाले को मारा है, तो ये वन वाला अभी रोता हुआ जा रहा है, तो ये किसको नोटिस करेगा? ये रो कर जाते हुए बच्चे को, या फिर यहाँ हंसते खेलते समूह वाले बच्चे को? नो डाउट यह व्यक्ति सबसे पहले इस रोते हुए बच्चे को नोटिस करेगा कि तुम्हें क्या हुआ, किसने मारा। मारा मतलब इस पर किसी ने फोर्स लगाया ना, तो जिस पर फोर्स लगा है उसको नोटिस किया जा रहा है सबसे पहले। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया है, इसीलिए हम लोग यहाँ Q1 को नोटिस करेंगे पहले, और उसके बाद ये बच्चा कहेगा हमें अमुक बच्चे ने मारा है, वो बच्चा मारा है। कौन? तो जो बच्चा मारा होगा, जैसे ये टू वाले बच्चे ने मारा, तो उसको यह पार्टिकुलेट करेगा कि वो बच्चा हमें मारा है। तो ये Q1 चार्ज पर कौन फोर्स लगाया, कौन चार्ज पार्टिकल ने फोर्स लगाया, अब हमें उसे देखना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये Q2 चार्ज पार्टिकल ने इस पर फोर्स लगाया है, तो अब हम Q2 को नोटिस करेंगे। तो इस तरह से इस फोर्स का नाम होगा F12। इसी तरह से अगर आप Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाले फोर्स को अगर आप दिखाना चाहें और नाम लिखना चाहें, तो आप लिख सकते हैं। कैसे? अभी ये सेम नेचर का फोर्स है, सेम नेचर का चार्ज है, तो निश्चित रूप से बाहर की तरफ ये फोर्स लगेगा, और बाहर की तरफ फोर्स लगेगा तो किस पर फोर्स लगा है, किसने फोर्स को एक्सपीरियंस किया? Q2 ने। तो ये पहले नोटिस होगा, और उसके बाद किसने फोर्स लगाया? 1 ने लगाया, F21 कहलाएगा। अब इन दोनों फोर्स को हमें वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो कैसे एक्सप्रेस करें? तो यहां से हम लिखते हैं फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2। तो इस तरह से यहां Q1 पर Q2 के कारण लगने वाले फोर्स को लिखते हैं। तो Q1 पर Q2 के कारण जो फोर्स लगा है वह है F12। तो F12 हमने लिख दिया। तो ये फोर्स कूलम्स लॉ से कितना है? K Q1 Q2 / R² के बराबर। तो अगर यहां से सिंपली अगर हम ये कहें कि R12 पोजीशन वेक्टर, ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम है, R21 पोजीशन वेक्टर, लेकिन दोनों एक दूसरे से डायरेक्शन में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है। आप यहाँ माइनस लगा के इसे समझ सकते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट है। एक अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में है, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। अगर इस दोनों का मैग्नीट्यूड आर हो जाए, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड आर हो, तो सिंपली हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि Q1 Q2 / R², लेकिन इस रूप में एक्सप्रेस करें अगर, तो फिर इसका डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ फोर्स हमने लिया है वेक्टर फॉर्म में, और ये कुल स्केलर फॉर्म में है, यानी कि Q1 Q2 स्केलर है, और ये मैग्नीट्यूड लिया है तो स्केलर है, ये प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट है तो स्केलर है। तो इसे वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करें? तो इस पोजीशन का ही यूनिट वेक्टर हम लोग लेंगे, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जो कि इसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, और इसके पास डायरेक्शन होता है जो इसके डायरेक्शन को पर्टिकुलेट करेगा। तो इस तरह से हमको यह मालूम है कि किसी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वह उस कंप्लीट वेक्टर
अपॉन उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, अपॉन उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग फोर्स को इस तरह से लिख सकते हैं, F12 हेक्टर F12 फोर्स इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू R वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से अगर ये मॉड से बाहर आता है तो फिर R हो जाएगा, तो फोर्स हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इनटू R वेक्टर। तो सिंपली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी जो पोजीशन वेक्टर यहाँ पर माना है इसी पोजीशन वेक्टर के रूप में फोर्स को एक्सप्रेस करना है, क्योंकि इस फोर्स को आगे हमें यह भी दिखाना है इस फोर्स के साथ कि यह न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे करता है, एंड दैट्स व्हाई इस पोजीशन के रूप में ही हम एक्सप्रेस करते हैं। तो हम लोग अभी इस फोर्स को F12 को इस रूप में लिखते हैं, F12 equals to K Q1 Q2 upon, बात वही है, यहाँ हमने माना था कि दोनों का मैग्नीट्यूड R के बराबर है, और अभी हम लोग अलग अलग दोनों को लेंगे। तो अभी यहाँ पोजीशन जो लेंगे वह कौन सा पोजीशन लेंगे, Q1 Q2 के बीच का जो पोजीशन है, दो पोजीशन है R12 एंड R21, तो इस दोनों में से कौन सा पोजीशन लें। तो हम ऐसा पोजीशन लेंगे जो इस फोर्स के डायरेक्शन में होगा, ताकि उसका यूनिट वेक्टर इस फोर्स के डायरेक्शन को बताए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस फोर्स के डायरेक्शन में है ये R21 यूनिट वेक्टर। तो इस R21 यूनिट, इस R21 पोजीशन वेक्टर, R21 पोजीशन वेक्टर को लिया, R21 पोजीशन वेक्टर एन स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड और इनटू इट्स यूनिट वेक्टर R21, जो कि इसके डायरेक्शन को बताएगा। तो यहां से अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, F12 फोर्स इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 वन पोजिशन वेक्टर एन स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, और इस यूनिट वेक्टर को इसी तरह से यहाँ लिख देते हैं तो मिलेगा R21 वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो फिर इसे हम अगले स्टेप में ऐसे लिखेंगे, F12 फोर्स इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है और ये मैग्नीट्यूड है, तो दोनों मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाएगा, R21 पोजीशन वेक्टर एंड क्यूब ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड इनटू दिस वेक्टर R21 पोजीशन वेक्टर। अब इस पोजीशन वेक्टर का हम वैल्यू पहले निकाल चुके हैं इस ओरिजिन वाले पोजीशन के रिस्पेक्ट में, कि Q1 का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, Q2 का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, इस रूप में हम इस पोजीशन को निकाल चुके हैं, जो कि R1 माइनस R2 वेक्टर के पोजीशन वेक्टर के बराबर है। तो इसे भी हम यहाँ लिख सकते हैं, तो अब इसे हम ऐसे दिखाएंगे, ये जो फोर्स है F12 इक्वल्स हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R21, R21 इक्वल्स R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है, तो यहाँ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लेंगे एंड क्यूब ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड इनटू R21 पोजीशन वेक्टर है, तो फिर R21 पोजीशन वेक्टर का यहाँ वैल्यू लिखो, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो इस तरह से हमने F12 फोर्स को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस किया। अब हम लोग देखते हैं कि Q1 चार्ज पार्टिकल के द्वारा Q2 चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगा है F21, इस फोर्स को कैसे लिखेंगे। फोर्स ऑन
Q2 ड्यू टू Q1, तो Q2 पर Q1 के कारण फोर्स, जिसे आपने कहा F21, तो F21 इक्वल्स कितने के बराबर, K Q1 Q2 अपॉन, अब यहां पर डायरेक्ट ले लेते हैं कि ये वेक्टर किस पोजीशन वेक्टर के अलोंग है, तो ये फोर्स वेक्टर अभी R12 पोजीशन वेक्टर के अलोंग है, तो इस फोर्स को हम लोग ऐसे लिखेंगे R12 पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू इट्स यूनिट वेक्टर R12, जो इसके डायरेक्शन को बताएगा। तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F21 फोर्स इक्वल्स के Q1 Q2 अपॉन R12 पोजीशन वेक्टर एंड स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड इनटू इस यूनिट वेक्टर को फिर हम लोग इस रूप में लिख लेते हैं, तो R12 वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो हमें मिलेगा F21 फोर्स इक्वल्स K Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है और फिर ये मैग्नीट्यूड है, तो फिर हम लिख सकते हैं F12 पोजीशन वेक्टर एंड क्यूब ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड इनटू R12 वेक्टर पोजीशन वेक्टर, तो इसे अब हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है Q1 Q2 का उसके रूप में भी लिख सकते हैं, तो F21 फोर्स इक्वल्स के Q1 Q2 अपॉन R12 पोजीशन वेक्टर इक्वल्स है R2 पोजीशन वेक्टर माइनस R1 पोजीशन वेक्टर, यहां लिखेंगे R2 पोजीशन वेक्टर माइनस R1 पोजीशन वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब और इनटू R2 पोजीशन वेक्टर माइनस R1 पोजीशन वेक्टर, तो ये इस रूप में Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले फोर्स को हमने एक्सप्रेस किया। अब यहाँ से अपने को ये दिखाना है कि ये फोर्स कैसे न्यूटन के थर्ड लॉ को ओवे करता है, तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं ज़्यादा करेंगे, बस यहाँ से लेते हैं हम F21 फोर्स, और F21 फोर्स लिया है, ये नज़दीक में है, आप इसे भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, ये हमारे पास है, तो इसको हमने अभी लिख लिया K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यू, अब यहाँ R21 पोजीशन वेक्टर है और R1 माइनस R2 पोजीशन वेक्टर है, तो ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया गया है, तो मैग्नीट्यूड ले लिया तो सिंपली एक ये नंबर हो गया, वैल्यू हो गया, बाकी यहाँ है हमारा R2 माइनस R1, अब यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें, तो माइनस को यदि यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस R1 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्लस R2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स ये ऐसा हो जाएगा F21 फोर्स इक्वल्स माइनस K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 पोजीशन वेक्टर एंड क्यूब ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड और इनटू यहां ये बचेगा R1 माइनस R2, इस तरह से। अब यहां हम जब देखते हैं तो ये फोर्स देखो, ये F12 फोर्स है K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का क्यू इनटू R1 माइनस R2 और यहां भी K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का क्यू है इनटू R1 माइनस R2, तो यहां अगर देखें तो ये कुल इस फोर्स का जो टोटल मैग्नीट्यूड है, ये टोटल
ये टोटल का टोटल मैग्नीट्यूड मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, अर्थात ऐसा दिख रहा है कि अभी ये कुल एफ वन टू फोर्स के बराबर है। तो यहाँ से हम अब लिख सकते हैं एफ टू वन फोर्स इक्वल्स, ये माइनस है लिख दिया, और एफ वन टू फोर्स, तो यहाँ से दोनों फोर्स हमें एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है और मैग्नीट्यूड में भी बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है। इस फॉर्मूला से दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट दिखाई दे रहा है। और कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट भी है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है, तो ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल पे जितना फोर्स लगाता है उतना ही फोर्स ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल पे लगाता है, चाहे चार्ज बड़े छोटे क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होता है। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड सेम हो गया और डायरेक्शन में ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो यही तो थर्ड लॉ है न्यूटन का, से एक्शन ऑलवेज बी इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन, क्रियात्मक बल प्रतिक्रियात्मक बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है, बराबर परिमाण में विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, दैट इज ऑलवेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ को ये ओबे करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कूलम्बिक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में देखा, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस किया। तो यहाँ से अगर आप पूछा जाता है कि वेक्टर फॉर्म को कैसे आप एक्सप्रेस करोगे कूलम्स लॉ के लिए, तो बड़ी आसानी से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये भी दिखा सकते हैं कि कैसे यह न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा।